मण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्फलं दर्शितं जेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। छात्रः सर्वेषां कृते सुस्वागतम्। अद्य अस्मिन् पवित्रदिवसस्य मङ्गलमयमुहूर्ते मम कक्ष्यां प्रति संस्कृतस्य कक्ष्यां प्रति सुस्वागतम्। इतः पूर्वं भवतां कृते शुभाशक्तिबळि इति विषयस्य तृतीयश्लोकं यावत् अहं पाठितवान् अस्मि। अद्य अहं भवतां कृते पुस्तकस्य प्रथमगल्पम् ऐषमः प्रथमवर्षे कोरोना इति कारणात् पाठद्वयं कर्तनम् अभवत्। केवलं पाठद्वयम् अस्मिन् वर्षे वर्तते। एकं भवति मनुमस्य आख्यानम्, मनुमस्याख्यानम् इति एकं विषयम्। एतद्वर्षगल्पं भवति। एतद्गल्पम् अद्य अहं भवतां कृते प्रस्तुतं करोमि। आगच्छन्तु छात्रा, एतद्गल्पम् एतद्विषयं कस्मात् ग्रन्थात्, कुतः आनीतम्, एतस्य विषयस्य विस्तृत आलोचनं पर्यालोचनं च अद्य भवतां साकं मिलित्वा अहं करोमि। अस्तु छात्रा, पश्यन्तु। शतपथब्राह्मणतः 1-8-9 इदम् आख्यानं संगृह्य लिखितं सम्पादितं च। एकः ग्रन्थः संस्कृतजगति वर्तते। तस्य ग्रन्थस्य नाम भवति शतपथब्राह्मणः। एहि शतपथब्राह्मणर पुस्तकर शतपथब्राह्मण नामक ग्रन्थर प्रथम अध्यायर अष्टम एवं नवम श्लोकको नै रचना करायछि कहानीति। इदम् आख्यानम्, एहि आख्यानटिको कौन करायछि संग्रह्य लिखितम् सम्पादितम्। एहि आख्यानटिको संग्रह करायछि, संग्रह्य लिखितम् सम्पादितम्, लेखन करायछि आउ सम्पादन मध्य करायछि। पिला माने मन रख, मनुमस्य आख्यान इति विषयटि शतपथ ब्राह्मण पुस्तकरु संग्रह होइछि। एतिकि मात्र तार पूर्वभाष। विषय वस्तु प्रत्याश। पुरा स्वस्य आश्रमे मनुः आसीत्। पुरा इत्युक्ते प्राचीन काले। पुरा पुरा शब्दर अर्थ आमे जाणिछु पिला प्राचीन काले, प्राक्तन काले, प्राक्तन। पुरा प्राचीन काले स्वस्य आश्रम, निज आश्रमे मनुः आसीत्। मनु नामक जने महर्षि आसीत्, बसवास करुथिले। प्रत्यह सज्जा त्यागात अनन्तरं सः खलु मुखं प्रक्षालयति। प्रत्यह प्रत्येक दिन, सज्जा त्यागात अनन्तरं, सज्जा त्याग परे, त्यागात अनन्तरं सः मुखं प्रक्षालयति, से निजर मुहंको प्रक्षालन करुथिले, धोई देउथिले। प्रभात बेळायां मुख प्रक्षालनस्य प्रथा अद्यापि प्रचलति। हाँ पिला, तुम्हें जाणिछ प्रभात बेळायां, प्रभात बेळारे मुख प्रक्षालन व्यवस्था अद्यापि प्रचलति। अद्यापि आजि मध्य प्रचलित अटे। अद्यापि प्रथम संज्ञा से पिला मन रख, अद्यचुत अपि, अद्यापि अद्यापि प्रचलति। एकदा तस्य मुख प्रक्षालनार्थं जलम् आनीतम्। हाँ, गप मु आगक बढ़े थे दिने मनु ता मुख प्रक्षालन निम्ते कौन से गोटे पात्र ढाल लोटा कि जल आनीतम, कि जल आनिले स मुखम करौ जदा प्रक्षाती तदा एक मत्स्य तस्य पानी तल आगत। पिला मन रख, सह जदा करौ निज कर दुईटी एवं मुखम प्रक्षालन करू था तस्मिन् एव समय, ठीक सही समय रे एक मत्स्य तस्य पानी तल आगत। तस्य ताहंकर से महर्षि मनुकर पानी तल, पानी अर्थात हाथ कर, कर तल को चली आसला, पानी तल आगत। मत्स्य मनु प्रति उक्तवान, माछटी मनु प्रति प्रतिजोग मनु द्वितीय उक्तवान कहला, कौन बोली कहला मनु
मनुं प्रति उक्तवान् यत् मम रक्षां कुरु हे महर्षि मनु मोर रक्षा कर मम रक्षां कुरु काले आगते अहं तव रक्षां विधास्यामि काले आगते समय आसिले काले आगते समय आसिले अहं मु तव रक्षां करिष्यामि तुमर रक्षा कराइबे बा करिबे अहं तव रक्षां विधास्यामि मनु अपृच्छत् मनु पचाय केन प्रकारेण त्वं मम रक्षां करिष्यामि करिष्यसि आय माछ मु त तव रक्षा करिबे केन प्रकारेण केउ प्रकारे त्वं मम रक्षां करिष्यसि तुमे मोर रक्षा करिब सेतळे मत्स्यः वदति माछटी कहुछे केन कोण लिखौछे कालक्रमेण एकदा महत् जलप्लावनं भविष्यति हे महर्षि मनु कालक्रमेण समयानुक्रमे एकदा दिन आसिब ए सृष्टि ए सचराचर विश्व जलप्लावन हे जीव जलमग्न हे जीव जलप्लावनं भविष्यति सत्यप्तेन सर्वे जीवाः प्लाविताः भविष्यन्ति आउ सेहि जलप्लावन रे सर्वे जीवाः समस्त जीवः प्लाविताः भविष्यन्ति भासी जीवे प्लावित होइ जीवे भासी जीवे जल मध्ये लीनाः च भविष्यन्ति आउ च च माने ओ जल मध्ये सर्वे लीनाः भविष्यन्ति विलीनाः समयानुक्रमे महान एक प्रलय आसीबा आ से प्रलय रे समस्त जीवगण भासि जिवे ओ समस्त जीव जल रे विलीन घटिबे तस्मिन् काले अहं तव रक्षां करिष्यामि हे महर्षि मनु से जलप्लावन समय अहं तव रक्षां करिष्यामि मु तुमर रक्षा करिबे मनु कथयति केन उपायेन त्वां अहं पालयिष्यामि अरे माछ तुमे को केन उपायेन केउ उपाय रे अहं त्वां पालयिष्यामि मु तुमको पालन करिबे तुमे मो ठारु किभळी आश्रय चाहुछो किभळी रक्षा चाहुछो मु तुमको किभळी पालन करिबे मत्स्यः कहुछे माचरी कौन कहुछे मत्स्यः पथयति जदा वयं लघव तदा अस्माकं विपत्ति जदा वयं लघव जेतेबेळे आमे छोट थाउ छोट क्षुद्र थाउ सेतेबेळे अस्माकं विपत्ति विपद जुक्तत्वेन सेतेबेळे आमको विपत्ति आसिथाय विभिन्न प्रकारर विपत्ति आसिथाय तमु गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पचारी पिला मु तमको कदा अस्माकं विपत्ति ही जदा वयं लघव तदा अस्माकं विपत्ति ही प्रतिक्षणं जीवन नाशस्य आशंका हे महर्षि मनु प्रतिक्षणं प्रत्येक मुहूर्त जीवन नाशस्य जीवन चली जीवार आशंका संदेह रहिथा बृहन् मत्स्य लघु मत्स्यं गिळति हे महर्षि मनु बृहन् मत्स्य विराटकाय माछ लघु मत्स्यं गिळति छोटकाय माछको गिळि पकाए गिळि दिए त्वां मां घटे स्थापय आउ तुमे मते कंकर नेकरे पुष्करिणी रे न त्याग करिके गोटे घटे घटे माने कलसी रे घट घट माने कलसी मन रखे घट शब्द अर्थ कलस कलस कलसी रे स्थापन कर घटे स्थापय जदा मम कलेवर वर्धते जेते बेले मोर कलेवर माने मन रखिले शरीर कलेवर कळे ना शरीर बा तनु बा काया केमिति ने भेले तुम तब शरीर जदा मम कळे बरह वर्धते बढी जीव जते बेले मोर शरीर कि वर्धते तदा मन जलाशय सुरक्षितम स्थापय आ हे महर्षि मनु तदा तदा माने सते बेले मां मते कर्मणि दितिया जलाशय पुष्करिणी रे सुरक्षित स्थापय नेगे सुरक्षित भाबरे स्थानन दिय बा रखे दिय जदा मम कळेवर वर्धते तदा मां जलाशय सुरक्षित स्थापय मम कळेवर बुद्धि हेतो जदा जलाशय क्षुद्र भवति भविष्यति तदा मां समुद्रे प्रवेशय हे महर्षि मनु जेतेबेले मोर कळेवर बढी बढी चलिब बुद्धि हेतु जलाशयटी छोट हे जीव जलाशयटी मते पई अति छोट मन ठीक से मत समुद्र रे छाड़देव समुद्रे प्रवेश कदा कोपि मम विनाश न कर्तुम समर्थ सेत मोर आनाश करें दिवसेषु गच्छसु तस्य मत्स्यस्य आकार क्रमशः वृद्धि प्राप्त महर्षि मनु कंगल मानिले तो
ताको माख्यारे रखे धीरे 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 समय अनुक्रमे से माछा आकार कण होला पिला वृद्धि गतिला स झस संजात आ से विराट काय माछा झस शब्द अर्थ मन रखबिला विराट काय माछा गुहन मत्स्य झस मोर शब्द होचे झ स आ अर्थ होचे बृहत माछा बड माछा बृहत मत्स्य बिराड़ा काय माछा कतले हे गला समुद्रम प्रति तस्य गमन बेला सन्निहिता आ महर्षि मनु देखिले जे समुद्रम प्रति प्रतिजोगे समुद्र देतिया तस्य गमन बेला सन्निहिता तार चली जीवार बल समय उपनीत हैला सन्निहित हैला निकट रहला समुद्रम प्रति सन्निहिता सह कृतकृत्य मन उपकारम न विस्मरति आ माछटि कृतकृत्य हैला धन्यवाद अर्पण कला एवं मनुंकर उपकार विस्मृत हैला नाही तर विस्मृत हैला नाही से सब दिने मने रखी था अवसर प्राप्त सह प्रति उपकार अर्थम मन्य में निवेदय आ मनुंक बलाबेले कहितला जते बेले समय में मिलिबो अवसर आसी पहुंचिबो मु मध्ये तुमर उपकार निश्चित सूझ देबी एई बारे से कहि चली जाय कालांतरे महत जल पावन भविष्यति आ से कहितला कालांतरे समय अनुक्रमे विराट काय जल प्रवाह घटिव जल प्रलय घटिव मद वचनम अनुसृत्य पूर्वम एकम तरिम प्रस्तुतम कुरु हे महर्षि मनु मो वचनम अनुसृत्य मम वचनम अनुसृत्य मोर वचन अनुसारे पूर्वम एकम तरि निर्माण कुरु गोटे पूर्व गोटे नौका तरि जे तरणी तरणी माने नौका निर्माण कर महाप्रलय त्वम तरि मध्ये स्थास्यसि आ माछड़ी जिला समय रे कहितला जतले महाप्रलय तरे देखिबो जाके से तरी उपरे बहि पड़िबो नौका उपरे जाके बसि जीव अहम प्रलय काले समागत्य तव रक्षम करिस्यामि हे महर्षि मनु मु प्रलय काल रे आसिबे आ तुमर रक्षा मध्य करिबी मनु मत्स्यस्य वचनम अनुसृत्य तस्य पालनम कृतवे आ महर्षि मनु मध्य माछड़ीर पथ्य अनुसार तार पालन कले जथा कालंतम समुद्रम प्रवेशय जथा समय रे नेहि महर्षि मनु समुद्र रे माछड़ी को छाड़ दे मत्स्यस्य उपदेशम शिरसि कृत्वा सह तरिम निर्मात माछर कथा किंतु महर्षि भूलि नथिले ताहार कथा को शिरसि कृत्वा मथारे रखी पूर्व गोटे नौका निर्माण करि देले तरिम निर्मात महाप्रलय जगादृष्ट मनु तरु मध्यम प्रवेश आ सतु सत जड़े महाप्रलय घटिला से महाप्रलय समय रे मनु कम कले ना तरी मध्य रे बसी गल नौका भितर बसी गल झसा स्व वचन अनुसार तत्र समागत से विराट काय माछटी निज कथा अनुसार से तरी निकट को आसिला आसिकरी कौन कला देख समागत तरी रजुम से तरीर जो रजु थिला पिला रजुम कर्मणी देखा दौड़ी को तरीर से दौड़ी को स्वशृंगे बधुआ तरी उत्तराचल प्रति निकावन तरीर रजुटी को दौड़ी को स्वशृंगे निज सिंह श्रृंग मान सिंह पिला निज सिंह जो मछर जो सिंह थी सिंगी मछटा से सिंह बधुआ बाधुआ बांधिकर तरी उचरा उत्तराचल प्रति निकवान तरी को कंगला उत्तरांचल उत्तर अंचल आड़े निकवान नहीं गला निधातु तब तुत नहीं तत्र सुरक्षित स्थाने तरी स्थापित मनु प्रति झस प्राह तत्र सेठाकार से उत्तरांचल एक सुरक्षित स्थान नहीं से नौका को रखिदे झस विराट काय माछटी मनु प्रति उत्तवान मनु को कहिला कौन बोली कहिला संप्रति त्वम सुरक्षित हे मनु हे महर्षि मनु संप्रति वर्तमान त्वम सुरक्षित तुम्हें सुरक्षित अर्थ तरी वृक्षे रजुआ बधुआ तुंग प्रदेशम गच्छ आ गोटे काम कर जो तरीटा वृक्षे गच्छरे रजुआ बधुआ रजु साहाय्यरे बांधि दे त्वम तुंग प्रदेशम गच्छ ये जो पहाड़ देखुचे ना ये पहाड़ तुंग शिखर प्रदेश को चले जाओ गच्छ तत्र पर्वतस्य उपरि सावधानं तिष्ठ आउ तत्र सेठाकार पर्वतस्य उपरि इले संधि मन रख पर्वतस्य जुक्त उपरि
पर्वतस्य उपरि त्वं सावधानं तिष्ठ सावधानं क्रिया विशेषण द्वितीय सावधानं तिष्ठ लागि उपरि लागि सुचार सावधान रे रहय जद्दा जलम अवतरति तद्दा त्वं अपि शनि शनि निच प्रदेशम अवतर आउ महर्षि मन मन रख जत्ते बेले जद्दा जलम अपसरति अपसरि जीव जल जत्ते बेले अवतरि जीव अपसरि जीव जल जत्ते बेले खाली जीव सेतेबेले तुआ मापी तुमे मध्य शनि शनि धीरे धीरे शनि 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 धीरे धीरे अधा प्रदेशम नीच प्रदेशम अवतर आउ तमे ओले आसीबो मनोहंत वचनम पालयामास जथा कावि सह अवतीर्ज्य भूमिम स्पृष्टवान् आउ मनु मध्य तार वचन को पालन कले आउ जथा समय रे तरीर ओले भूमि को स्पर्श करी चली गल तापे कौन देख सर्वे प्राणीन महता जल प्रादिन प्रवाहिता नासिता आउ समस्त प्राणीगण मनु व्यतीत आउ समस्त प्राणीगण समस्त प्राणी बा प्राणीगण कौन कले ना महता जल प्रादिन विराट कार्य जल प्रावन घटला जल प्रलय घटला से जल प्रलय प्लावित होने भाषी गले एवं नासिता च एवं नष्ट मध्य हे गले नासिता च नष्ट नष्ट मध्य हे गले एक मनु सुरक्षित जीवित च आसी आ मन रखा से जल प्रलय महर्षि मनु जी के एकमात्र से सुरक्षित रहिले आउ जीवित रहिले उत्तराचलस्य उत्तर मेरव तदेव स्थान मन अवसर्पणम इति इतिहास प्रसिद्धम हाँ उत्तरांचल जो उत्तर मेरुर से अंचल टी आजी मध्य रही पिला जो महर्षि मनु प्रलय समय आश्रय नहीं मछर साहय नहीं स्थान आज भी प्रसिद्ध रही बहु दूर अनेक लोक से देखा चाहती तुम्हें मैंने मिले मन रखी मनु अवसर्पण स्थानी तुम्हें मध्य बुलाक जीव जिते महाप्रलय घटी सृष्टि विनाश घटी से एकम्र मनु मात्र बंची थे सीए कम कर सृष्टि को पुनर्विन्यास कर जगटर ना मनोहर अवसर्पण मनोहुक्त अवसर्पण इति इतिहास प्रसिद्ध बोली इतिहास प्रसिद्धि रही पा मन रख प्रजापते मनोह झसेण सह अयं जह भाग भगत संबंध सह विज्ञान सम्मत हाँ मन रख पा प्रजापति जी की ब्रह्मा जहाँ को कि मनु 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 बोली महर्षि बोलिकी आख्यान दे से मनु आउ किए नुंती से स्वयं प्रजापिता प्रजा मान पिता महर्षि ब्रह्मा से ऋषि ब्रह्मा बा ठाकुर आम जहाँ को लीलामय बोली कहू से प्रजापति मनु सहित झसेण मछर जो संपर्क भावगत संपर्क रही पिला से दिन से संबंध आज भी विज्ञान सम्मत पिला विज्ञान मध्य ही मत दिए केमी ना मनुष्य स्तन्यपायी तादृशी शुंगी झस भी स्तन्यपायी मन रख पिला मनुष्य एक प्रकार स्तन्यपायी पाणी आदृशी शुंगी मछ जो शुंग में बांधि नहीं था से रजु से शुंग मछटी गोटे स्तन्यपायी अटे मनुष्य से सह उपकारी आ मनुष्य मध्य कौन अटे उपकारी अटे अद्यापि समुद्रे दिग्भ्रष्ट मानव सह मार्गदर्शक भवती आज मध्य अद्यापि सन्धि करुक्त अति आज मध्य समुद्रे समुद्र दिग्भ्रष्ट मानव दिग्भ्रष्ट हो जाता मनीष से कम कै दिग निर्णय करूल को आनी दिए से मनीषर सहायता प्रदान कै मनुष्य से सह उपकारी मानव से सह मार्गदर्शक भगवती दिग्भ्रष्ट मनीष को से मार्ग देखाई दिए एवं महाप्रलय मत्स्य प्रजापति मनु रक्षा मास यही पिला मन रख जिते महाप्रलय घटी से समय मछटी प्रजापति मनु को यही भाव से रक्षा कर वास्तव में महर्षि मनु को रक्षा कर वस्तुतः मानव जाति रक्षा मास कह संपूर्ण मानव जाति को से बचे जेहेतु कि जल प्रलय समय महर्षि मनु बचीगले आपर से सृष्टि पुणी आउ थे सर्जना कर सृष्टि पुणी आउ थे सूर्जित है सर्जित है
एणु करी 6टि सज्जनमानंकु त रक्षा करना दिला पिला मन रख समग्र मानव जाति को ही रक्षा करथिला एई तरह तमरो पिला मनुमस्य आख्यान कहानी आ मनुमस्य आख्यान मुंकु सारि दैछि आ प्रश्न उत्तर विभाग को तुमे जीव प्रश्न उत्तर विभाग रे कोन कोन रहिछ ताको टिके तुमे आलोचना करिवो तुमरो छात्र पुत्रा पि जदि संदेह रहिवो मते तुमे फोन करी पचार करिवो नछे तुमरो कमेंट माध्यम रे तुमे मते संदेह पचार दे पाए ठीक अछि बले अस्तु आज के इतिके धन्यवाद।